सो वीकेंड गेम प्ले में गाइज आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपको गेम प्ले दिखाने जा रहा हूँ 12517 कोलकाता गुवाहाटी गरीब रथ एक्सप्रेस। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये सफ़र होने वाला है। न्यू जलपाईगुड़ी से न्यू कोच बिहार जंक्शन तक आज हम लोग ये जर्नी करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हेडफोन्स पहन लीजिए और हम लोग यहाँ से डिपार्ट करेंगे NJP रेलवे स्टेशन। और मॉन्स्टर के साथ आज की हमारी जर्नी होने वाली है 12517 के साथ में। चलिए तो हॉर्न बजा देते हैं। भाई साहब ये मॉन्स्टर का हॉर्न है ना गाइस, एकदम कान फाड़ने वाला साउंड है ये। चलो लगता है एनीवे मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। चलो यहाँ से अभी हम लोग डिपार्ट करें हैं NJP रेलवे स्टेशन और थ्रॉटल को मैंने कर दिया है 25% पर। EMD का एक्सेलरेशन साउंड आप लोग एंजॉय कीजिए तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप हेडफोन्स पहन के अगर इस वाली वीडियो को देख रहे हो तो मेरे ख्याल से दूसरी टाइम मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट हुआ है और मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ कि हेडफोन्स पहन के गेम प्ले देखिए। कितनी बार वीडियोज़ में बताया हूँ बट फिर भी कुछ लोग पहनते हैं कुछ लोग नहीं पहनते। अब आप बोलोगे कि मुझे कैसे पता। हाँ यार पता है, मुझे सब कुछ पता है। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में मैंने पहले भी काफ़ी सारे गेम प्लेस किए हैं, जैसे डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, कामरूप एक्सप्रेस या कामाख्या NDLS प्रीमियम एक्सप्रेस। और भी एक गेम प्ले मैंने किया है कामाख्या भगत की कोठी एक्सप्रेस। वैसे 4-5 गेम प्ले हम ऑलरेडी कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे रूट पर, NFR रूट जैसे हम लोग कहते हैं। प्रदीप कुमार जी का ये रूट है NFR जो रिलीज़ हुआ था 2011 में, आई थिंक सो trainsim.com पर अवेलेबल है, लेकिन ये NFR वर्जन 2 है। तो जस्ट हमने NJP रेलवे स्टेशन डिपार्ट कर ही लिया और यहाँ पर जस्ट आउटर में क्रॉसिंग चल रही है हमारी WDP4 सिलीगुड़ी शेड के साथ में, एक LHP ट्रेन। अमेजिंग क्रॉसिंग यहाँ पर, जनरेटर कार से भी अच्छा खासा धुआं निकल रहा है और ट्रैक साउंड ICF ट्रैक साउंड्स का तो यार आज एक अलग ही मेलोडियस साउंड है, तो वो आप एंजॉय करना। बीच बीच में अपनी बोलती बंद भी करूंगा ताकि आप ट्रैक साउंड्स को अच्छी तरीके से सुन पाए। LHB ट्रैक साउंड्स भी मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहे क्योंकि बगल से LHB ट्रेन जा रही है, ये एक सबसे अच्छा एडवांटेज होता है। और उस ट्रेन को गए पीछे एक HCPV भी था, हाई कैपेसिटी पार्सल वैन, आपने नोटिस किया होगा। और हमारी ट्रेन को वैसे HCPV कोई कोच नहीं है, दो जनरेटर कार तो नॉर्मली है क्योंकि यार ये गरीब रथ एक्सप्रेस है, फुल्ली AC ट्रेन है तो जनरेटर कार तो ऑफ कोर्स होने बनते ही है। और बाकी तो यार खैर सारे के सारे AC 3 टीयर के कोचेस है। इनके जो ऊपर के जो बफर है ना, बफर कहते हो क्या उसे या कोई और वर्ड है मुझे पता नहीं उसे कहते क्या, एक्चुअली मैं उसे बफर कहता हूँ, जो इस कोच के बिल्कुल ऊपर होते हैं। नॉर्मली AC 3 टीयर कोचेस में वो बफर की हाइट थोड़ी सी बड़ी होती है, हालांकि आज जो मैं एडवांस यूज़ कर रहा हूँ इनमें वो बफर की हाइट मेंटेन नहीं है। मतलब जैसे AC 2 टीयर में बैठा हुआ रहता है ना, बिल्कुल वैसा यहाँ पर बैठा हुआ है वो। और एक लेवल क्रॉसिंग स्किप करके हम लोग आगे जा रहे हैं। खैर आज का ये जो गरीब रथ एक्सप्रेस का मॉडल मैं यूज़ कर रहा हूँ ये विजय कमल जी का है और ये कोच रिपेंट किया है तमिल रेल गेमर ने। हालांकि ये गुवाहाटी गरीब रथ के कोचेस नहीं है, ये किसी और ट्रेन के मेरे ख्याल से विशाखापट्टनम गरीब रथ एक्सप्रेस के कोचेस है, तो गुवाहाटी गरीब रथ एक्सप्रेस के कोचेस ये नहीं है। आपने पहले भी नोटिस किया होगा इनके शो। एंड फाइनली आज के गेम प्ले के सबसे इंटरेस्टिंग व्यू पर हम लोग आ चुके हैं, लोको पायलट केबिन के पास में। लॉन्ग हुड फॉरवर्ड मोड में चल रहा है हमारा BGKT का WDP4 भी और यहाँ से ट्रैक का नज़र आप लोग देख सकते हो गैस। मुझे भी ट्रैक तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या ट्रैक? इस पॉइंट से ट्रैक दिख रहा है कि नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। खैर मुझे तो ऐसे दिख नहीं रहा है, हालांकि वाइड एंगल FOV थोड़ा ज़्यादा है उसके कारण शायद मुझे दिख नहीं रहा होगा, तो मैं करूँगा क्या ना आगे चलकर थोड़ा सा FOV उसको थोड़ा सा अंदर लूँगा ताकि मुझे ट्रैक भी दिख सके और मैं आपको भी ट्रैक दिखा सकूँ। लेकिन आप खुद गाइस इस व्यू को देख सकते हो कि लोको पायलट्स को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा FOV को आगे लेके जा रहा हूँ ताकि मुझे ट्रैक थोड़ी बहुत विजिबल हो जाए। उस बाजू से भी हल्का सा दिख रहा है, इस बाजू से भी हल्का सा दिख रहा है, थोड़ा सा और जूम करता हूँ। चलिए यहाँ से अभी थोड़ा बहुत ट्रैक दिख रहा है बढ़िया तरीके से, ओके। लेकिन इन रियल लाइफ लोको पायलट ये जो मैंने FOV अंदर ले लिया, रियल लाइफ में तो लोको पायलट वैसा कर नहीं सकते ना। जितना उनको एंगल दिख रहा है, जितना उनको ट्रैक दिख रहा है, जितना सिग्नल दिख रहा है, उससे ही उनको काम चलाना पड़ेगा यार, ठीक है। तो आप
देख सकते हो कि लोकोमोटिव को चलाना एक काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट बात है, खास करके WDP4, WDP4 भी, WDG4 वेरिएंट के लोकोमोटिव्स। इसीलिए गाइस ना WDP4D नाम का कंसेप्ट या WDP4D नाम का लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर किया गया है, ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए यार RHF मोड की। लोको पायलट को दिक्कत होती है गाइस ऐसे मोड में लोको को चलाने में, आप खुद देख सकते हो कि ट्रैक कितना कम प्रतिशत में विजिबल है। तो बात करते करते गाइस मैंने लोको को डाल दिया है मैनुअल टू ऑटो पायलट मोड पे। देखिए सारी चीज़ें ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए मैंने अभी वापस लोको को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया है। और यहाँ पर एकदम से स्पीड लिमिट को ड्रॉप कर दिया गया है, 30 की लिमिट हमें यहाँ पर मिल चुकी है। और सामने मुझे स्टेशन दिख रहा है, क्या वहाँ पर हमें लूप लाइन पर भेज दिया जाने वाला है क्या किसी ओवरटेक के लिए? यार प्लीज़ यार हमारी ट्रेन को कोई ओवरटेक ना करे। अरे यार नहीं नहीं, ये लूप लाइन पर गाइस ट्रेन रुकी हुई कोई, तो मुझे दिख रहा है यहाँ से। ओके तो ये ऑयल टैंकर फ्री ट्रेन है, अच्छा हम उसे ओवरटेक कर रहे हैं। भैया ओवरटेक कर ही रहे हैं, 30 की लिमिट से हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? MPS पे ओवरटेक करते तो और मज़ा आता, पीछे एक बार चले जाते। पीछे से नज़र आप लोग देख सकते हो, गरीब रथ एक्सप्रेस के EOG की हालत आप लोग देख सकते हो, एकदम ब्लैकिश हो चुकी है, धुआं धुआं निकल के एकदम ब्लैक हो चुका है वो जनरेटर कार। बेचारा कितना काम करेगा यार। और लेवल क्रॉसिंग स्किप करके भी हम लोग आगे आ चुके, लेवल क्रॉसिंग पर दो ट्रक्स भी रुके हुए थे, वो लोग सोचेंगे कि यार कब क्रॉसिंग ख़त्म हो जाती है और अभी हम लोग अपने काम को आगे बढ़ा सके। 2 मिनट रुको तो सही यार, ट्रेन तो जाने दो, कम से कम 2-3 कोचेस थोड़ी है, ज़्यादा कोचेस है और ट्रेन की स्पीड एक तो कम भी है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना लेवल क्रॉसिंग को पूरी तरह से स्किप होने में। और कोच पे अभी हम लोग आ चुके, कोच के डोर ही ऊपर आ चुके हैं। इन शॉर्ट मुझे ये कहना है यहाँ से भी नज़ारा काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ऑयल टैंकर फ्रेट ट्रेन को ओवरटेक करते हुए। और ये स्टेशन है अंबारी फराकाटा स्टेशन, मैंने आपको डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस वाले गेम प्ले में भी दिखाया था, वहाँ पर शायद हमने स्टेशन को MPS पे स्किप किया था, आई थिंक सो, अभी मुझे वो याद नहीं गेम प्ले। इसका लोको एक बार देख लेते हैं। ओके तो यहाँ पर साबरमती WDG4 हॉल कर रहा है ऑयल टैंकर फ्रेट ट्रेन को, अंबारी फराकाटा स्टेशन के बिल्कुल लूप लाइन पर खड़ा हुआ है और ओवरटेक सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाता है। ट्रैक साउंड बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइस सुनाई दे रहे हैं, क्या कहते हो? मज़ा ही आ रहा है ट्रैक साउंड्स को सुनने में आज, तो क्या कहते हो? और वापस अभी हम लोग गाइस MPS मोड पे आ चुके हैं और बगल की सीनरी आप लोग देख सकते हो, खूबसूरत से पेड़ है और एकदम ग्राउंड टेक्सचर्स ग्रीनरी लेवल है। आज हमारी ट्रेन का कलर ग्रीन है और बाहर के ग्राउंड टेक्सचर्स आप लोग देख सकते हो, सच में आज तो एकदम मौसम का मूड ही अलग है। देखिए मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूँ ये व्यू कैसा है, ज़बरदस्त सीनियर। और इस ज़बरदस्त व्यू पर हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस भी चल रही है हमारी ज़बरदस्त स्पीड में, सुपर यार सुपर। फिर से यहाँ पर स्टेशन स्किप करने की बारी, हॉकिंग चल रही है, हॉकिंग थोड़ी सी कम सुनाई दे रही है। लेवल क्रॉसिंग स्किप सक्सेसफुली डन। ओके यहाँ पर लूप लाइन जा चुकी है, इस बाजू उस बाजू भी गई है क्या, क्या पता? यस गई है ऑफ कोर्स। और ये स्टेशन कौन सा है, मैंने तो देखा नहीं यार, ट्रेन की रफ्तार इतनी ज़्यादा है। और यहाँ पर भी 2 EMD लोकोमोटिव्स खड़े थे बिल्कुल आइडल पोजीशन पे, कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह चल रहा है क्या, हमें भी बताओ थोड़ा सा। अरे यार स्टेशन का नाम तो मैं पढ़ ही नहीं पाया गाइस, एनीवे आगे चलकर स्टेशन का नाम पढ़ने का प्रयास करूँगा, होप सो। देखते हैं कितना स्टेशन विजिबल रहता है। लोकोमोटिव के साइड व्यू पर अभी हम लोग आ चुके हैं WDP4B के, और एक ब्रिज से हम लोग गुजर रहे, नीचे से कोई नदी है मेरे ख्याल से। अरे पानी का कलर है ना गाइस मेरे NFR वर्जन 2 रूट में बिल्कुल ऐसा ही है, वाइट कलर का पानी है, ब्लू टेक्सचर नहीं है उसमें, वाइट टेक्सचर है। पता नहीं ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, NFR वर्जन 3 जब मैंने इंस्टॉल किया था उसमें ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई थी। देखिए अब आप बोलो कि NFR V3 होने के बावजूद भी तुम NFR V2 पर गेम प्ले क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि NFR V3 में आपको पता है ना उसमें वो इलेक्ट्रिफिकेशन है, और इलेक्ट्रिफिकेशन मुझे यार NFR रोड पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, टू बी वेरी फ्रैंक। NFR रोड पर मैं इलेक्ट्रिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता किसी भी प्रकार से, इसलिए यार मैं आज का गेम पे ना नॉन इलेक्ट्रिफाइड रूट पर कर रहा हूँ।
जो डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस का गेम प्ले किया था वो हमने किया था इलेक्ट्रीफाइड रूट पर, लेकिन आज का गरीब रथ वाला गेम प्ले मैं कर रहा हूँ नॉन इलेक्ट्रीफाइड रूट पर। थोड़ा सा मज़ा आता है यार, डीजल वाली फीलिंग आती है, प्योर डीजल। अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ ना, जब मैंने इस ट्रेन के डिटेल्स वगैरह चेक किए ना इंडियन रेल इन्फो की वेबसाइट पर, मुझे दिखा कि ये ट्रेन कैंसिल हो चुकी है। अब पता नहीं यार ये ट्रेन अब चलती भी है या नहीं चलती है, ये ट्रेन आजकल एक्टिव है कि नहीं ज़रा मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए, क्योंकि मुझे पता नहीं है। जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली इंटरनेट से, मुझे पता चला कि ये ट्रेन तो कैंसिल हो गई है। पता नहीं यार अब सीन क्या है। और फिर से यहाँ पर स्टेशन स्किप करने की बारी आ जाती है, बैक टू बैक स्टेशन स्किपिंग। मेरे ख्याल से जलपाईगुड़ी रोड रेलवे स्टेशन है, आई थिंक सो। कमेंट्स में बताना सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर लोग भी है प्लेटफॉर्म पर, सुपर। अच्छा यार जलपाईगुड़ी रोड ही था शायद से। ओके, दोनों लूप लाइन अब ज्वाइन कर दिए है मेन लाइन, क्या बात है यार। रफ्तार मोड अभी हम लोग चल रहे हैं, फुल रफ्तार मोड में। सीनरी तो खैर अच्छी है। फिर से यहाँ पर कोई हम लोग स्टेशन स्किप कर रहे हैं, बैक टू बैक स्टेशन स्किप चल रहे हैं। मैं इम्पोर्टेंट स्टेशन स्किप्स आपको दिखा रहा हूँ। फिर से यहाँ पर लोकोमोटिव्स रुके हुए हैं, WDP 4B+, WDP 4B, और हमने उस ट्विन लोकोमोटिव्स को ओवरटेक कर लिया है। और पीछे जो स्टेशन स्किप कर लिया गया वो था अल्ताग्राम रेलवे स्टेशन। तो अभी मेरे ख्याल से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा फास्ट चल रहा है। अब आपको मैं बता रहा फास्ट क्यों चल रहा है। देखिए, एक तो ये NFR रूट ऐसा है कि ये कंप्रेस रूट है, इन रियल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है न्यू जलपाईगुड़ी से लेके न्यू कोचबिहार जंक्शन तक, लेकिन ये कंप्रेस वर्जन है। देखिए टोटल डिस्टेंस जो है 160 किलोमीटर का है, और यहाँ पर हम लोग धूपगुड़ी रेलवे स्टेशन स्किप कर रहे हैं। इस बार मैं रुक के मैं आपको स्टेशन बोर्ड दिखाया, और बिल्कुल लूप लाइन पर रुकी हुई है फ्रेट ट्रेन जो हॉल कर है ट्विन एल्कोस के साथ में, ऑयल टैंकर फ्रेट ट्रेन। ये भी यार इस सेक्शन में ऑयल टैंकर फ्रेट ट्रेन ज़्यादा चलती है क्या, कमेंट में ज़रा बताइएगा। इस सेक्शन के रेल फैंस या व्यूवर्स, इन ईजी वर्ड्स, आसान शब्दों में कहने जाओ तो, काफ़ी दिनों बाद ये बोला यार आसान शब्दों में। तो अपना फेमस डायलॉग है आसान शब्दों में, कोई भी चीज़ बतानी है ना आसान शब्दों में बताए ना तो वो बराबर से समझ में आती है ना। जैसे मैं आपको बोला रेल फैन होगा या व्यूवर होगा इस सेक्शन से, तो ज़रा बताना मुझे कि फ्रेट ट्रेन की कौन कौन सी चलती है, मतलब BCNA चलती है, ऑयल टैंकर फ्रेट ट्रेन ज़्यादा चलती है क्या। मुझे अभी तक तो ऑयल टैंकर फ्रेट ट्रेन ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर स्पीड या ट्रेन ने ड्रॉप कर ली, कोई प्रॉब्लम है क्या। यहाँ पर ओवरटेक वगैरह चलने वाला है मेरे ख्याल से, यहाँ पर लूप लाइन पर भेज देंगे। ट्रेन के स्पीड को देख के मैं अंदाज लगा रहा हूँ, जा रहे हैं क्या हम लोग लूप लाइन पे। चलिए जा ही रहे हैं लूप लाइन पर, लगता है यहाँ पर ओवरटेक या क्रॉसिंग होने वाली है। कौन सा स्टेशन है वैसे ये, फलाकाटा स्टेशन। पीछे हमने अंबारी फलाकाटा देखा था, और ये फलाकाटा स्टेशन। काफ़ी खूबसूरत सा सेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, और आज के जो ट्रैक टेक्सचर्स में यूज़ कर रहा हूँ ये द हेरिटेज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के रूट के जो ओनर है लुब्धेश महाजन जी, उनके रूट के वो ट्रैक टेक्सचर्स है। और उस रूट पर भी मुझे गेम प्ले करना है द हेरिटेज NFR, काफ़ी दिनों से वो पेंडिंग गेम प्ले है मेरा। देखिए उसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, थोड़ा सा लैग होता है उसमें ऑब्जेक्ट्स के कारण, आई थिंक सो। और नॉर्मली मुझे उस रूट पे FPS मिलता है 35 के आसपास नॉर्मली, जो मैं पर्सनल पर्पस के लिए खेलता हूँ, और जब गेम प्ले करूँगा तो वो FPS 10-15 मतलब तो ड्रॉप हो जाएगा, और 20-22 FPS में आपको क्या दिखाऊँगा सीनरी, पूरा एनवायरनमेंट ही हिलने लगेगा, तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा, मुझे भी मज़ा नहीं आएगा, और गेम प्ले एट द एंड क्या होगा, ख़राब जाएगा। तो देखेंगे इन फ्यूचर द हेरिटेज NFR पर भी मुझे गेम प्ले करना है। सीनरी लेवल तो यार OP लेवल की है, उसमें कोई डाउट नहीं, बस इशू लैग का है। तो कुछ कारणवश गाइस वहाँ पर रुकाया गया था इन शॉर्ट मुझे ये कहना है, कोई क्रॉसिंग कोई ओवरटेक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आगे चलकर यहाँ पर फिर से हमारी स्पीड ड्रॉप हो चुकी है। लगता है इस बार कुछ तो हमें सीन देखने को मिले।
गेटिंग इनटू द लूप लाइन, और उस बाजू वाली लूप लाइन पर भी ट्रेन रुकी है। ओके तो चलो यार, फाइनली कोई तो अलग फ्रेट ट्रेन देखने को मिली गई। WDG4 हॉल कर रहा है। अरे एक मिनट, स्टेशन देखने दो मुझे, एक सेकेंड, आपको सब कुछ दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। पुंदीबारी स्टेशन हम लोग यहाँ पर एंटर कर रहे हैं लूप लाइन, कोई हमारा ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिख रहा हूँ वो फ्रेट ट्रेन, यहाँ पर BCA ने रेक खड़ी हुई है, फ्रेट ट्रेन इन शॉर्ट WDG4 हॉल कर रहा है। तो मैं आपको बोल रहा ना पहले कि मुझे ज़्यादा तो दिख रही थी ऑयल टैंकर फ्रेट ट्रेन, और यहाँ पर फाइनली दिख चुकी है कोई अलग फ्रेट ट्रेन, BCA ने हॉल करा है, हॉल्ड बाय WDG4। और सामने की बत्ती तो लाल है, रेड सिग्नल है, कोई प्रोसीड सिग्नल नहीं है, पक्का यहाँ पर क्रॉसिंग होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि वो ट्रेन भी रुकी हुई है। या तो उस ट्रेन को कोई और ट्रेन ओवरटेक करेगी, या हमारी ट्रेन को कोई और ट्रेन ओवरटेक करेगा, लेट सी क्या होता है, या खाली में ही रुकाया जाता है। कोई भरोसा नहीं यार ओपन रेल्स का, खाली में ऐसे ही लूप लाइन पर भेज देते हैं, रुकाने बोलते हैं, प्रोसीड सिग्नल 10-15 मिनट देते ही नहीं है, और फिर अचानक से प्रोसीड सिग्नल दे देते हैं बिना ओवरटेक के, बिना क्रॉसिंग के। क्योंकि ट्रेन भी परफेक्टली एंटर कर चुकी है, ऐसा नहीं कि कुछ कोचेस भारी रुके हुए। खैर यहाँ पर नॉर्मल तो प्रोसीड सिग्नल मुझे दिखाई दे रहा है ट्रैक मॉनिटर पर, लफड़ा क्या है मेरे को पता नहीं यार। यार थोड़ा एक्शन बास गेम प्ले होना चाहिए यार, थोड़ा बहुत क्रॉसिंग ओवरटेक वगैरह होगा तो और भी मज़ा आएगा, क्या पता। तो एक बार फिर से ओपन रेल्स में हमें बेवकूफ़ बनाए पुंदीबारी रेलवे स्टेशन पर रुका के, और अभी फाइनली आगे चलकर अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं आज के हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट पर, न्यू कोच बिहार जंक्शन। गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा समराइज फॉर्मेट में आया होगा पता है मुझे यार, देखिए ज़्यादा बड़ा गेम प्ले करूँगा तो आपको भी शायद बोर लगेगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम वो वीडियो अपलोड किया था कौन सा, डेक्कन एक्सप्रेस वाला, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो था, उसे समरी नहीं कहूँगा। मैंने वीडियो में कहा था कि वो एक समराइज फॉर्मेट वाला गेम प्ले होगा, लेकिन एक घंटे की वीडियो समरी कहना नहीं, वो थोड़ा वर्थ नहीं था। मुझे बाद में थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि ये समरी वीडियो नहीं है, ये मतलब ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू फुल वीडियो था, वो सिर्फ थोड़ी सी सीनरी स्किप की थी मैंने, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही स्किप हो गया, लेकिन अच्छा है वो। मैं तो कहता हूँ आपका समय भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, मेरा भी समय वेस्ट नहीं होगा, तो वो बैलेंस्ड रहता है। और फिर से यहाँ पर फ्रेट ट्रेन, चलो इक्वली बैलेंस्ड फ्रेट ट्रेन मुझे यहाँ पर दिखी गई, दो ऑयल टैंकर फ्रेट ट्रेन दिखी, दो BCA ने ट्रेन दिखी, चलो उस बाजू भी रुकी हुई है, क्या बात है। दो चार कोचेस, दो चार वैगन्स मुझे कहना है, BCA ने वैगन्स, वैगन्स ही कहेंगे ना उसे, कोचेस तो डब्बे हो गए, वैगन्स तो वो मालगाड़ी के डब्बे हो गए, है ना, ज़्यादा फर्क नहीं है कुछ। बोगी, बोगी नहीं कहते उसे, बोगी तो नीचे के जो अंडर कैरेज होता है ना, दो बोगी होते हैं किसी भी कोच के नीचे माउंटेड किए होते हैं, दो बोगी के ऊपर कोच माउंट किया जाता है। फिर बोगी में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे स्पर गियर हो गया, ट्रैक्शन मोटर्स है, एक्सेल है, वो शाफ्ट है, वो ट्रैक्शन मोटर से पावर जाते हैं, फिर वो रोटेट होता है। खैर ये तो ये मैं शायद से EMU का मैंने बोल दिया, चलो कोई नहीं। यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं आज के डेस्टिनेशन पॉइंट पर, वो है क्या, न्यू कोच बिहार जंक्शन, स्टेशन कोड NCB, और पैसेंजर बोर्डिंग कंप्लीट हो गया अगले 40 सेकंड में, लेकिन यहीं पर हमारी जर्नी टर्मिनेट हो जाती है। और आज का गेम प्ले गाइस आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड गुड बाय दोस्तों।